गंगरोआ में हुआ वीरांगना अवंतीबाई लोधी क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। ब्लॉक बरौली के ग्राम गंगरोआ में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत मुख्य अतिथि समाजसेवी रामबाबू राजपूत के द्वारा फीता काटकर की गई। रामबाबू राजपूत ने बताया कि ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट से आसपास की क्रिकेट प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। वहीं पूर्व प्रधान शिशुपाल राजपूत ने बताया कि ऐसे टूर्नामेंट से निश्चित ही खिलाड़ियों में एक अच्छा संदेश जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। वहीं आगरा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बनाए जाने की मांग भी की गई। इस दौरान खिलाड़ियों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। देखिए एक रिपोर्ट। युवाओं के लिए यह है कि आने वाले समय में अच्छा काम करेंगे और हमारे पास से मैं जानता हूँ कि टैलेंट की कमी नहीं है अभी लोधी समाज के अंदर और भी समाज हैं, तो आने वाले समय में अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे यहाँ से। और मैं यही दुआ करूँगा कि आने वाले वक्त में अगर मेहनत, अगर जहाँ से जो कहते हैं ना कि शुरुआत अपने गांव से करनी चाहिए, जो शुरुआत गांव से करेंगे तो आने वाले समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्रिकेट का आयोजन किया गया है, क्या मानते हैं कितना जरूरी है युवाओं के लिए इस तरह के आयोजन? ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कबड्डी खेलकूद और भी प्रोग्राम है, हॉकी से लेके जिस सभी जो और देशों में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी हो, खेलकूद को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन अपने देश में भी अब चालू हो गया अच्छी तरीके से, तो अच्छा वो होना चाहिए। पढ़ाई पर, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, खेलकूद पर। दो चीज़ें, अवंतीबाई लोधी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है और निश्चित रूप से ऐसे खेलों के जरिए प्रतिभाएँ निकल कर सामने आती है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखो ऐसा होता है कि हुनर एक ऐसी चीज़ होती है कि बच्चे को और मान के चलो टूर्नामेंट हो रहा है तो यहाँ पर हर बच्चा खेलेगा। 11 जब खिलाड़ी खेलते हैं तो एक ना एक अच्छा प्रदर्शन करता है, जब ही तो आगे वो जाएगा कि आईपीएल से लेके जब आगे बढ़ता है, ना कि तुम शुरुआत से ही कि आईपीएल वाले के अंतर्राष्ट्रीय लेवल वाले यहीं से छोड़ ही नहीं ले जाएंगे, जो आगे फिर अकेडमी वगैरह ज्वाइन करा देते हैं तो उससे ही निकलता है बच्चा। देखिए लगातार युवाओं के भविष्य के लिए आगरा मांग करता रहा है कि आगरा में स्टेडियम हो युवाओं के लिए, लेकिन वो स्टेडियम अभी तक नहीं मिल पाया, कहाँ कमी रह जाती है? ये नेता लोगों की कमी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने यहाँ पर करप्ट नेता लोग हैं, सबसे ज़्यादा बकवास हैं। मैं ये जानता हूँ कि एक भी नेता अभी बढ़िया नहीं आया है, क्योंकि ये देखो अखिलेश यादव अपने वहाँ पर ले गया जो सैपई है, क्योंकि यहाँ आगरा में कोई कमी थी किसी चीज़ की, जो मेट्रो वगैरह जो आ गए हैं, तो अपना मैं जानता हूँ कि आगरा एक बेस्ट है और ये नेताओं के द्वारा ही। और ये मान के चलो एक कॉलेज, मैं बता रहा हूँ कि एक सरकारी कॉलेज सामो में पहुँच गई थी जो हमारी लकावली के लिए गंगरुआ के लिए आई थी, तो ये नेताओं की वजह से ही दूसरे गाँव में यानी ट्रांसफर हो जाती है। लगातार प्रयास रहा है नेताओं के द्वारा, आगरा के नेताओं के द्वारा लगातार कोई प्रयास नहीं हुआ भैया, कोई प्रयास उठाई गई है, लेकिन कहाँ कमी रही? अरे कोई नहीं उठाया ना, ये तो कमी तो चलती रहती है, कमी हिंदुस्तान के अंदर ही नेताओं में भाई। टूर्नामेंट के जो आयोजक हैं उनके लिए क्या कहना है आपको? वह है कि बढ़िया है, सफलतापूर्वक सही हो, और मैं चाहता हूँ मेरी कोटि-कोटि आप सब जी सभी को धन्यवाद है मेरी तरफ से और शुभकामना। आज गंगरोआ में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना है इसको लेकर? जी हमारा जो महारानी अवंतीबाई लोधी क्रिकेट टूर्नामेंट का कराने का एक उद्देश्य है, जो युवा खेल का जो खेल छुपा रहता है वो निखर के सामने आए और सब लोगों को बता सके कि हमारे खेल में कितनी प्रतिभा है और आगे तक जा सकें। कैसे जहन में आया कि क्रिकेट टूर्नामेंट कराना चाहिए? देखो जो हमारे गांव में और भी आसपास के गांव में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं खेल के प्रति, हम उनको जागरूक करना चाहते हैं ताकि वो आगे तक जाएं, और हम यही दुआ करते हैं कि कोई अच्छा खेलेगा तो आगे भी जाएगा। प्रधान जी गंगरोआ में टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना है इसको? आज महारानी अवंतीबाई लोधी आज जो है महारानी अवंतीबाई लोधी जी के बैनर तले यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है, क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में यहाँ से संदेश जाएगा, जो युवा है हमारे खेल के प्रति जो यहाँ पर अच्छा मतलब प्रदर्शन दिखाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम तक पहुँचेगा और अपना क्षेत्र का नाम होगा। हाँ जी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सिटी है आगरा, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होना चाहिए था? अपने यहाँ पर मतलब प्लेयरों के हिसाब से और हर मतलब जैसे हमारे यहाँ पर आगरा में अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, महानगर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होना चाहिए। जो खिलाड़ियों का जोश है इस तरह से किस तरह से देख रहे हैं आप? इतनी धूप में खिलाड़ी लगातार यहाँ पसीना बहा रहे हैं, तो युवा हैं, खिलाड़ी हैं, अच्छी बात है, मतलब पसीना बहाएंगे तो कुछ मतलब आगे के लिए मिलेगा।